लाइट जो है वो तो लग चुकी है और काफी अच्छा लग रहा है अभी लाइट लगा के। अभी इसके ऊपर सारी डेकोरेशंस आनी है। तो यहाँ बिजनेस थाली में एक डोसा मिल जाता है आपको, प्लेन राइस और कुछ कुछ सब्जियां और चटनी। देखो जब चाय पार्टी होती है ना यहाँ पे मम्मी पापा के साथ, तो ऐसे टेबल सजता है पूरा। वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूँ गौरव और काफी दिनों बाद सर्जरी के बाद आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। काफी दिनों से बस रेस्ट चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, ऑफिस से भी ऑफ ले रखा है। और आज मम्मी का बड़ा मन था कि भाई क्रिसमस ट्री जो है वो लगा लेते हैं फटाफट, क्योंकि मम्मी को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। क्रिसमस टाइम पे पहली बार आया ना मम्मी पापा, तो क्रिसमस ट्री लगाना, सजाना उसको और आसपास क्रिसमस मार्केट घूमना, तो काफी मजा आ रहा है। तो हम सोचा आज क्रिसमस ट्री लगाते हैं और आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है अम्मा, रेडी? मम्मी पहले देखो सफाई करने लग जाती है। मैं कहा यहाँ पे धूल मिट्टी इतनी होती नहीं है, आप सफाई कर क्यों रहे हो? मम्मी कह रही है नहीं मैं थोड़ी सी कर देती हूँ, देख ऐसे ऐसे करोगे ना तब भी ज्यादा धूल मिट्टी आती नहीं है यहाँ पे, बहुत बहुत कम ही आती है। फिर भी मम्मी कर रही है क्योंकि उस कॉर्नर में लगा रहे ना हमने क्रिसमस ट्री। तो ये खुल चुका है हमारा क्रिसमस ट्री का पिटारा। क्रिसमस ट्री लिया था हमने लास्ट टाइम लिया था, कब लिया? लास्ट टू लास्ट ईयर लिया। हर साल यही ट्री यूज होता है, वो एक महीने के लिए तो हम लगाते हैं मुश्किल से। हाँ, और फिर उसको पैक करके इसी में। मम्मी बड़ी एक्साइटेड है, कैसे खोलते कैसे इसको बनाते कैसे है। क्योंकि आजकल हर जगह क्रिसमस ट्रीज दिख रहे हैं ना, और कह रही है तुम कब लगाओगे कब लगाओगे, हम वेट कर रहे थे कि गौरव की थोड़ी तबीयत जो है वो ठीक हो जाए। और इस बार आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया होगा, ये खरीद के लेके आया। गौरव मान नहीं रहा था लेकिन मम्मी और मेरा बहुत मन था इस बार का क्रिसमस ट्री होने वाला पिंक। पिंक एंड व्हाट, गोल्डन और सिल्वर कर रहे हैं ना मेरे साथ, पिंक गोल्डन एंड सिल्वर। मम्मी के साथ तो मैच कर रहा है पूरा, बिल्कुल मैच कर रहा है, मैंने इसलिए आज ये पहना। तो पिंक गोल्डन और सिल्वर, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन होने वाला है क्रिसमस ट्री का। तो चलो स्टार्ट किया जाए। डेकोरेशन है लेकिन पुरानी डेकोरेशन भी बहुत सारी है हमारे पास। हाँ बहुत सारी बढ़िया डेकोरेशन। तो ये व्हाइट सिल्वर ये सारे गोल्ड ये सब यूज हो जाएगा इसके साथ। मैं ज्यादा ना वेट वगैरह उठा नहीं सकता अभी, डूड डूड बन के आया आज पापा। ब्लैक टी शर्ट ब्लू जीन्स, इसका एक पार्ट लग चुका है नीचे, अब ये बीच में अम्मा दूसरा वाला लगा दो। देखना पड़ेगा ये सबसे छोटा तो नहीं है, वही मैं देख रहा हूँ कहीं ये तो नहीं है, ये वाला लगेगा बीच में। सही है ना, अपना पैक करके रख दो फिर बेड में। लाइट जो है वो तो लग चुकी है और काफी अच्छा लग रहा है अभी लाइट लगा के। अभी इसके ऊपर सारी डेकोरेशंस आनी है। ये रेनडियर है। इसको हम सामने रख देते हैं इसके। ठीक है मम्मी को अभी सिखा रही है कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि बहुत सारी डेकोरेशन है इस बार हमारे पास। रेड था इसे स्प्रे कर दिया, ये ना स्प्रे भी आ जाता है अगर आपको ग्रीन ट्री को व्हाइट करना है। चलो करो ये डेकोरेशन अब स्टार्ट। मम्मा पहला हाथ आप लगाओ इस बार। लगाओ जोन सा आपको अच्छा लग रहा है सबसे पहले, बस इसके ऊपर टांग दो यहाँ पे अच्छे से जो इसकी टहनी है। हाँ बस इसको ना ऐसे कर दो, बस बस ऐसे कर करके अब एक एक करके सारी मैच कर दे। इसको भी टांग इसको भी टांग दो। गौरव को हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम दिया है, बॉबल्स रेडी करने के लिए। साहब जी लगे हुए यहाँ पे तैयार कर रहे हैं इनके लिए, ये लगाएं। ये सारी डेकोरेशन आई थिंक हमने ना कुछ कुछ और एक्स्ट्रा खरीदी थी, ये भी न्यू खरीदी थी। हाँ। जब क्रिसमस खत्म हो जाती है ना तो सस्ते में मिल जाते हैं। सेल पे ले लिया करो भाई अगले साल के लिए। Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in. बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया। कमाल करते हो पांडे जी। बढ़िया लग रहा है वैसे पिंक और सिल्वर। हाँ, देखा मैंने बोला था ना।
सामने दिवाली की लाइटें अभी भी लगी हुई है, क्रिसमस ट्री भी लग गया, सारे त्योहार के साथ। ये देख लो तुम, कहते ना लाइट हमारी व्हाइट कर जाती है, अब इसके साथ मैच कर, अब पता ही चल रहा ना वो, देखो दिखती नहीं है, सारी हम लगा देते हैं। देखो हम अपना मुख्य त्योहार मनाएंगे, साथ में इनका भी मुख्य त्योहार मनाएंगे। अभी चाय पार्टी करेंगे। हम लोग आए हैं आज कयाल रेस्टोरेंट पे बिजनेस थाली एंजॉय करने के लिए। बिजनेस थाली में एक डोसा मिल जाता है आपको, प्लेन राइस और कुछ कुछ सब्जियां और चटनी, सांबर आलू और दो सब्जियां, तो ये पूरा यहाँ की बिजनेस थाली है। और सबसे स्पेशल ये वाले हैं जो अभी हम लेके आए हैं, ये देखो कांच को कितना अच्छा लग रहा है, क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल वाले पूरे, ये पकड़ो और भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे हैं, मम्मी ने सेलेक्ट करे हैं, ये देखो वाह अम्मा कितना अच्छा लग रहा है यार कांच का, पर इसको ध्यान से लगाना गिर ना जाए, ये टूट जाएंगे। और देखो ये है स्टार, स्टार के साथ ये है छोटा वाला रेंडियर, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ये है सबसे, और ये है क्रिसमस ट्री। Just coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with Christmas tree. यहाँ पे पूरा ready हो चुका है और हम बैठ चुके हैं आराम से, चाय बन रही है। और यहाँ पर मेरा एप्पल का जो मैकबुक प्रो है, जो नया वाला मैकबुक प्रो 13 है, वो आ चुका है, बट इसकी मैं अभी अनपैकिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो बनानी है और आप लोगों के साथ शेयर करना है कि क्या प्राइस पड़ा मुझे और कहाँ से कितना डिस्काउंट मिला, तो इसकी आराम से करेंगे अनपैकिंग। बाकी मैं वेट बहुत कर रहा हूँ कि फटाफट करूँ अनपैकिंग। क्रिसमस ट्री के बाद टाइम आ गया यहाँ पर भैया चाय पार्टी का। देखो जब चाय पार्टी होती है ना यहाँ पे मम्मी पापा के साथ, तो ऐसे टेबल सजता है पूरा, चाय रखी जाती है और साथ में जितना सामान है, अभी समोसे भी आ रहे हैं। ये बिस्किट हम कहाँ से लेके आए थे, ये हम SKVP से लाए थे, कराची बेकरी, आई थिंक वो हैदराबाद में है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से है, कराची पाकिस्तान में, कराची तो पाकिस्तान में ही है, जिनकी शॉप होगी ना क्या पता वहाँ की, हाँ हाँ, लेकिन ये हैदराबाद। कैसा लगा आपको टेस्ट, बढ़िया कराची की खुशबू है। आज बन रही है यहाँ पे आलू पूरी, हमारे घर पे रोज स्पेशल डिनर होता है, और आलू की सब्जी देख लो भाई, पूरी भंडारे वाली आलू की सब्जी, और साथ जो उसके पूरी। साथ हमने कल अचार बनाया है, हाँ अचार बोरा साथ में पड़ा है देखो, हाँ, और फरीदाबाद में आई थिंक जो भी फरीदाबाद से होगा उसको पता होगा पूजा लस्सी पूरी सेक्टर 10 में उसकी शॉप है, इतनी ज्यादा फेमस है पूरे फरीदाबाद में, और आई कैन से कि 90% 90-95% सेम अचार बना है सही में, और उसका अचार भी बहुत फेमस है। अभी तो मैंने खाया नहीं है, इसी के साथ बढ़िया लगता है आलू पूड़ी के साथ, तो मजे हो गए। क्या करना चाहिए, पूजा लस्सी से छोड़ के मीनू लस्सी, मीनू लस्सी, मीनू लस्सी पूड़ी। हाँ भाई कैसे लगा फिर, बढ़िया एक्स्ट्रा, इससे पूछो, इससे पूछो पूजा लस्सी पूरी जैसा अचार है ना भाई, देखो अचार खत्म भी हो गया वाला, और साग भी पड़ा साथ में, बढ़िया एक पूरी एक्स्ट्रा खाई है, दो खाओ एक्स्ट्रा। गौरव की बारी आ गई है खाने की, खा के प्लेट, बताओ प्लेट देखो मेरी, पूरी आलू और साथ में अचार तगड़ा वाला, ये अचार साथ में जाता है ना मजा आ जाता है, पापा जी अचार का मजा आया, अरे वाह
हाँ जी, तूने तो कुछ बताया नहीं। मैंने बता दिया हरी बताया, बताया? अच्छा तो बहुत सही बना। अब ये दूसरी अगर कटोरी मेरी जा रही है। कड़छी नहीं लाए बेबी इसके लिए? ये नहीं ना, घर में जो अचार बनाते हैं उसमें तो, घर के अचार में तो पता नहीं कितने अच्छे मसाले और फ्रेश होते हैं। पूजा लस्सी पूड़ी का मुकाबला थोड़ी होता है वो। पूजा लस्सी पूड़ी के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। फिर थोड़ा पसीना कुसुना भी तो होता है बाहर। हाँ वो भी तो स्वाद आता है ना, सर्दियों में पसीना नहीं निकलता। वो 10% वही है पसीना। We'll be chillin' and having a good time.